एमसीएक्स, ये वो स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। और संदीप जी से बड़े आदमी कौन हो सकता है जो कोई मार्केट छोड़ता नहीं, कमोडिटी हो, इक्विटी हो, करेंसी हो, हर एक पे नजर रखते हैं। संदीप जी, जो खबर है ये कि इब्जा ने एक नया स्पॉट एक्सचेंज चालू करने के लिए एमसीएक्स के साथ करार किया है, क्या एमसीएक्स और भागेगा, खरीदना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, कई बार क्या होता है जब तीन चार एनालिस्ट दिग्गज बैठे रहते हैं तो कोशिश करते कि ये क्वेश्चन मेरे पास आए, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीएक्स वाकई में क्या दिल से जुड़ा हुआ एक्सचेंज है, क्योंकि करियर इससे बनाया है। अच्छा। तो आपने बहुत सही तरीके से इसको प्रेजेंट किया क्वेश्चन को। देखिए, ये सर्टेनली जो स्पॉट एक्सचेंज वाली न्यूज़ है पॉजिटिव न्यूज़ है। इनफैक्ट ये कंपनी काफ़ी दिनों से कर भी रही है, और इनफैक्ट टर्की और ये सब में, शायद इस्तानबुल में भी स्पॉट एक्सचेंज है, तो वहाँ पे भी ये लोग देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एमसीएक्स में जो इस बार ऑप्शंस में, पर्टिकुलरली क्रूड और कॉपर के ऑप्शंस में ट्रैक्शन आया है। गोल्ड का ऑप्शन जब लॉन्च हुआ था तो क्योंकि लॉट साइज बड़े थे तो वहाँ पे इतना ट्रैक्शन नहीं था, बट समहाउ क्रूड के ऑप्शंस में अच्छी तेज, क्योंकि क्रूड में भी वॉलीटिलिटी अच्छी है और ऑप्शंस तो सर्टनली वॉलीटिलिटी का ही एक फंक्शन है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी वहाँ पर लिक्विडिटी आई है और काफ़ी अच्छा ये चलने लगा है। और साथ में ये बात और है कि देखिए, आप 715 के लेवल्स थे और 6 अगस्त को इसने 915 तक के लेवल्स बनाए हैं और वापस से नीचे आया हुआ है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता लगता है, और आगे आने वाले दिनों में जो ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है अभी तो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है, अगर 2-3% का प्रोपोर्शन आ रहा अभी फ्यूचर्स के वॉल्यूम का, जो कि अगर एडवांस कंट्रीज में देखें तो करीब 40% तक होता है। तो ये कंपनी भी वैसे ही टारगेट कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एनएससी और बीएससी जो कमोडिटीज लाने वाले हैं तो वहां से कंपटीशन जरूर आएगा, 1 अक्टूबर से शुरू होगा उनका भी ये सेगमेंट, बट हो सकता है कि एनएससी और एमसीएक्स का जो विलय की बातें चल रही है वो अगर फ्रक्टिफाई हो जाए तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स बहुत सस्ता इन लेवल्स पे आराम से लेना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि 50% नीचे अपने हाइस से, वॉल्यूम सब धीरे धीरे ऑप्शन के और फ्यूचर्स के दोनों ही बढ़ेंगे, तो सर्टेनली इट्स अ वेरी गुड बाय एट दीज लेवल्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा लगता है। वैल्यूएशंस अच्छी है, खरीदने की सलाह है एमसीएक्स इन स्तरों पर। रत्नामणि मेटल्स, कुणाल इस पर एक राय दीजिए। खबर अच्छी है, गेल ने पाइप सप्लाई का 125 करोड़ का ऑर्डर दिया है कंपनी को। छोटा स्टॉक्स है तो दमदार दौड़ भी लगा सकता है इस खबर की वजह से। आज के लिए टारगेट्स देखिए, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है चार्ट पर दीपाली, वो 880 के आसपास है, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मुझे लगता है 885 के लेवल्स आ सकते हैं इसमें आज ही, और 885 बड़ी रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है अगर ये लेवल्स आए तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है। 885-890 के आसपास मुझे लगता है रेजिस्टेंस है, उन लेवल से तुरंत ऊपर जाएगा संभावना कम दिखती। अच्छा जैन साहब, ये जेल इरिगेशन इतना क्यों गिर रहा है, और ये तो आज बैन में भी आ गया, क्या करें इसमें? ये जेन इरिगेशन में जब भी मूवमेंट होता है तो मुझे आपकी बहुत याद आती है अनिल जी, और सर्टेनली अपने शोज के दौरान जो अपना मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। अब देखिए, समहाउ पता नहीं ये जो जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड जो लोन्स ले रखी है कंपनियां, और चूंकि फॉरेन करेंसी इनफैक्ट डॉलर इतना मजबूत हो रहा है और रुपया टूट रहा है, तो उसकी वजह से भी शायद ये प्रॉब्लम आ रही है, और इन कंपनियों में डेट्स भी है, बट साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक अच्छा सपोर्ट ले लेता है हर बार, और जो बाउंस आता है वो भी बहुत शार्प आता है, हो सकता है कि यहाँ से 75-76 के लेवल्स है अभी और 72-73 पे सपोर्ट ले ले और बाउंस ले, तो 85-86 तक अभी रिसेंटली गया था, बट हाँ बहुत जोर आ रहा है इस बार ऊपर जाने में, जो लेवल्स पास्ट में दिखे थे वो वैसे नहीं दिख रहे हैं इस बार, बट साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑर्डर्स भी काफ़ी मिलते हैं, काम भी काफ़ी करती है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो इशू है, और वो शायद डेट्स और बैलेंस शीट की क्वालिटी का इशू है जिसकी वजह से ये स्टॉक चलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो एग्जिट तो ना करें, होल्ड करके सर्टेनली रख सकते हैं, और अगर थोड़ी सी भी चाल देता है और टेक्निकल लेवल्स के साथ ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रेडिंग बेट ज़्यादा हो गया रादर देन एन इन्वेस्टमेंट बेट। जैन साहब, इसमें मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कई सारे अच्छे अच्छे मिड कैप्स हैं जो बहुत गिर गए, जैसे ये 125 रुपये 135 रुपये किसी ज़माने में चला करता था, तो इनका भाव देख के मुँह में पानी आता है, और जैसे कोई खरीद लेता है तो फिर आँख में पानी आता है वैसा हाल हो गया अभी सही है ना एकदम तो बोले ले लिया तो गड़बड़ हो गई, बस ये वाला हाल है तो अब 75 रुपये के भाव में आँख में पानी तो नहीं आएगा, जनता बता दीजिए जरा नहीं, एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ अनिल जी, ये मुंह में पानी आता है, आंखों से पानी आता है, और पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है पैसों का बिल्कुल बहुत सही कर रहे हैं, बट
और ऐसा है कि ये मिड कैप ने वाकई में बहुत रुलाया इस बार, ऐसे बहुत सारे मिड कैप की लिस्ट है। राजेश जी की तो आंखों से पानी निकल रहा है। राजेश जी की आंख में हंसस के पानी आ रहा है। सुपर सुपर जी। कभी कभी क्या है कि जब पोर्टफोलियो में वो बोलते थे खून के आंसू आ रहे हो तो थोड़ा हसलदार ठीक रहता है, तो आंख में से पानी आ जाए तो भी अच्छी बात है। तो ये है आपके लिए जेन इरिगेशन का हाल। लेकिन एक और इनफैक्ट दो और स्टॉक है, गति और ओल कार्गो, क्या इनमें डील होने की संभावना है लग रहा है जैन साहब आपको? क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं हो सकता है, हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ है नहीं, क्या करना चाहिए इन शेयरों में? ये सवाल मेरे से है जैन साहब, आपके लिए, आपके लिए। जी जी बोलिए। बिल्कुल, मुझे तो खुशी हो रही है कि देखिए गति में थोड़े दिन पहले भी एक ऐसी न्यूज आई थी, फिर ये ऑल कार्गो वाली न्यूज भी आ गई है, तो सर्टेनली और किसी का भला हो या नहीं हो बट गति सर्टेनली एक बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन एक्सप्रेस कार्गो का एक पायनियर है इंडिया में। और अगर ऑल कार्गो अगर ले लेती है तो ऑल कार्गो भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी, और साथ में ये बात भी है कि ऑल कार्गो काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है, आप ऊपर से देखें तो ऑलमोस्ट 50% भी अवेलेबल है और बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है। और इनफैक्ट जिस तरीके से उनका जो शिपिंग और इस वाले लॉजिस्टिक्स में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, और साथ में अगर इसमें भी आ जाते हैं गति अगर टेक ओवर करते तो इट विल बी अ ग्रेट सिनर्जी। तो मैं तो कहूंगा कि दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल्स पे है, दोनों स्टॉक्स में बाइंग करें। और ओवरऑल अगर मैं खास बात कहूं लॉजिस्टिक्स की तो ये सेक्टर वाकई में जो मुंह में पानी आता है इस सेक्टर को देखकर भी, और ये आंखों में पानी नहीं लाएगा अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है। और ऑल कार्गो है, गति है, वीआरएल लॉजिस्टिक्स है, ये तीन मेरी लॉजिस्टिक्स स्पेस में फेवरेट पिक्स है। गति, ऑल कार्गो और लॉजिस्टिक्स और वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बेहतरीन स्टॉक्स है लॉजिस्टिक्स स्पेस के, इनको खरीद सकते हैं आप।